Hello everyone, I'm Dr. Pranab, your faculty in biochemistry at DPADS. Today we are going to discuss electron transport chain. So this topic I have divided into two parts, part one and part two. So we'll discuss the part one today, and in our next video we'll discuss the part two. So we'll start with this diagram. Looks very scary, right? So yeah, it's scary. It has been scaring me since I was in school, class 9 or class 10. I could not understand it. Now somehow, okay, I am teaching you now. So it's very simple. You can see here, aap yahan pe dekh sakte ho, in this electron transport chain, first thing you should know that it occurs in माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, पहले जानना पड़ेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का कहाँ पे होता है, विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ यू विल आस्क मी, अरे सर आप बोल रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया इनर मैट्रिक्स, व्हाट आर दोस थिंग्स. सो आई शो यू. सो सी, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये मैंने ड्रॉ किया है, जो सर्कल ड्रॉ किया है आउटर सर्कल, this is the outer membrane of mitochondria. Here I have written, see, this is the outer mitochondrial membrane. Then this one you are seeing, this is the inner mitochondrial membrane. ठीक है, और इसके बाद इस ये दोनों inner mitochondrial membrane है. ठीक है, इसके बाद अंदर में दिखाई दे रहा है आपको this space, this is known as the matrix. Okay, this is the matrix, and the space between these two outer, ये आउटर है और ये इनर है. द स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. समझ में आया, यू अंडरस्टूड. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन है. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, एंड द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. आप पूछोगे सर व्हाट इज दिस, ये क्या है, 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 अरे और ये तो सबसे खतरनाक दिख रहा है, व्हाट इज दिस सर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता. सो आई विल एक्सप्लेन यू, इट्स वेरी इजी. देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देयर आर फाइव कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड. ओके, वेयर टू राइट, ओके, दिस कॉर्नर. फाइव कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड, कॉम्प्लेक्सेस 1, 2, 5. फाइन, तो यहाँ पे दिस वन यू आर सीइंग, दिस इज द कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स 4, एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स 5. आई हैव नॉट रिटन हियर, सो इट इज 5. सो यू विल आस्क मी सर, यू हैव सेड दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 4, देन वेयर इज 2? यस, आई विल शो यू लेटर, बिकॉज 2 आई डोंट वॉन्ट टू इंक्लूड इट हियर, बिकॉज 2 इज नॉट इन्वॉल्व हियर. We are talking about the oxidation of NADH. When we will talk about FADH, then we will talk about complex 2. Complex 2 is involved in FADH, or complex 2 NADH mein involved nahin hota hai. So what happens here? Dekho, kya hota hai? First step, complex 1. Pehle samajh lo. There are five complexes in electron transport chain: complex 1, complex 2, complex 3, complex 4, and complex 5. Complex 2 is not involved in the oxidation of NADH. ठीक है? But it is involved in the oxidation of FADH. So here, why there is no complex 2? Because it is not involved here. Fine? ठीक है, then अब क्या हो रहा है यहाँ पे, what happens? Electron transport chain. The name of the topic is electron transport chain. So electron को transport होना है, right? So what will happen? This NADH will lose an hydrogen and it will become, क्या बनेगा? NADH. So losing of hydrogen is known as oxidation, okay? And losing of hydrogen or losing of electron is the
वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। देन दिस विल गो टू कोएंजाइम क्यू, ठीक है। फिर दिस विल टेक इट टू कॉम्प्लेक्स थ्री एंड देन इट विल बी टेकन बाय साइटोक्रोम सी टू कॉम्प्लेक्स फोर एंड देन इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड बिकम वाटर। तो क्या क्या होगा यहाँ पे देखो, कॉम्प्लेक्स वन, व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स क्यू, ये सोचो आपका जो गाइड है, आपको वन से थ्री पे जाना है, लाइक यू हैव गॉन फॉर साइटसीइंग टू समवेयर, सो आप जयपुर गए हो, ओके, दिस इज कंसीडर जयपुर है ये वन इज जयपुर, आपको अभी जाना है जैसलमेर, आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन देयर बट जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ओके। तो जयपुर से जैसलमेर जाना है, तो आपको तो नहीं पता है जैसलमेर कहाँ पे है, देन हु विल टेक यू टू जैसलमेर, दिस गाइड, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, कोएंजाइम क्यू जो है दिस इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है, समझ में आया। सो वन, ये जो वन से थ्री तक इलेक्ट्रॉन है ये कौन लेके जाएगा, दिस गाइड बाय द नेम ऑफ कोएंजाइम क्यू, ठीक है। अब जो थ्री से फोर तक जाएगा वो कौन सा गाइड लेके जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम सी, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी सिंपल। सो फिर फोर पे जाने के बाद रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड बिकम वाटर। नाउ अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ है, तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आपको एनर्जी क्रिएट होगा, और एनर्जी क्रिएट होने से तो कुछ करना पड़ेगा, देयर विल बी सम मूवमेंट्स, हाँ। सो क्या होगा, एनर्जी 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 क्रिएट होने से क्या होगा, सम मूवमेंट। सो व्हाट विल दिस डू, दिस इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी क्रिएटेड, द एनर्जी क्रिएटेड विल ट्राई टू टेक अवे द हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। तो क्या होगा, ये एनर्जी प्रोड्यूस होके यहां से NADH लॉस कर ऑक्सीडेशन होके NAD बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे वन थ्री फोर जाने के बाद अब क्या हुआ, एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो एनर्जी क्या करेगा, दिस विल देयर विल बी डिफरेंस इन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यहाँ पे, और जो मैट्रिक्स है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहां पे देयर सम डिफरेंस, हाँ यहाँ पे लिखा है मैंने एक्सेस हाइड्रोजन क्रिएट्स ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हो जाएगा, इसको केमी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट भी बोला जाता है, ठीक है। व्हेन वो दूसरा है, सो क्या करेगा, देयर विल बी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएटेड, तो क्या करेगा, दिस जो यहां से आपको मैट्रिक्स से चार हाइड्रोजन, कॉम्प्लेक्स वन विल टेक आउट फोर हाइड्रोजन आउटसाइड, दिस हाइड्रोजन वन, दिस कॉम्प्लेक्स थ्री विल टेक आउट फोर हाइड्रोजन अगेन एंड दिस कॉम्प्लेक्स फोर विल टेक आउट टू हाइड्रोजन। अब यहाँ पे और यहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का डिफरेंस हुआ कि नहीं, सो दिस हाइड्रोजन क्या है, आप कहीं पे भी घूमने चले जाओ, एट द एंड यू वांट टू कम बैक टू होम, राइट। सो हियर ऑल्सो सेम थिंग हैपेंस, दिस हाइड्रोजन आफ्टर कमिंग हियर इट क्रिएट्स अ केमी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, देन दिस अगेन दे वांट टू कम बैक इनसाइड। अभी क्या करना है, अब कैसे जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या पैदल जाएंगे, तो यू नीड अ डेफिनेट व्हीकल फॉर गोइंग, राइट। आपको अगर यहां से यहां तक जाना है, क्या ऐसे डायरेक्ट घुस जाओगे, नहीं, ये यहाँ पे बॉर्डर है, ये आपको घुसने नहीं देगा, दिस मेम्ब्रेन विल प्रिवेंट इट फ्रॉम एंटरिंग हियर। अब इंडिया से पाकिस्तान डायरेक्ट चले जा सकते हो क्या, मेरा मर्जी हुआ, मेरे को जाना है पाकिस्तान में चला जाऊंगा, बांग्लादेश जाना है चला जाऊंगा, नहीं, देर आर बॉर्डर, बॉर्डर है यहाँ पे, दिस विल नॉट अलाउ, यहाँ पे चेक करेगा आपका सिटीजनशिप, देन इफ यू आर सिटीजन देन और यू हैव गॉट वीजा देन यू विल बी अलाउड टू गो। सो सिमिलरली दिस मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ द हाइड्रोजन टू गो इनसाइड, बट क्या होता है,
ये जो हाइड्रोजन है इसका एक फ्रेंड है, कौन है वो फ्रेंड? दिस कॉम्प्लेक्स फाइव। कॉम्प्लेक्स फाइव का दो पार्ट होता है, F0 एंड F1। ठीक है, तो ये जो राउंड पार्ट है, दिस इज F0 एंड दिस पार्ट इज F1। सो दिस कॉम्प्लेक्स फाइव हेल्प्स इन गेटिंग द हाइड्रोजन बैक इनटू द कहां थे मैट्रिक्स पे। और यहां पे मैट्रिक्स पे आने के बाद क्या होता है? दिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एडीपी इज कन्वर्टेड टू एटीपी। आपको ये याद रखना है। देखो, सो यहां पे मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थ्रोन बाय डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वन में फोर हाइड्रोजन आपको थ्रो करता है, कॉम्प्लेक्स थ्री में फोर हाइड्रोजन थ्रो करता है, और कॉम्प्लेक्स फोर में आपका टू हाइड्रोजन थ्रो करता है। टोटल मिला के हुआ फोर फोर एट प्लस टू टेन हाइड्रोजन। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने बोला था एक्सेस हाइड्रोजन क्रिएट्स ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये जो आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे था जो आउटसाइड आया है, विच हैव कम आउटसाइड फोर फोर एंड फोर हेयर, दिस आर क्रिएटिंग एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। दिस इज नोन एज केमी ऑस्मोटिक इफेक्ट। सो फिर क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स, ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाता है? कॉम्प्लेक्स फाइव। कॉम्प्लेक्स फाइव का क्या पार्ट है? फाइव जीरो इज द रोलिंग गेट एंड एफ वन इज प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फाइव है आपका, दिस इज द रोलिंग गेट एंड दिस इज द आपका दिस इज प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। ओके, सो क्या हुआ? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक इफेक्ट, केमियोस्मोटिक। सो व्हेन हाइड्रोजन क्रॉस रोलिंग गेट मैकेनिकल एनर्जी इज क्रिएटेड। हाँ, तो क्या हुआ, जो हाइड्रोजन मूवमेंट करता है यहां से वहां, तो क्या होता है, आपको एनर्जी इज क्रिएटेड। कहां पे गया मेरा पेन? या दिस इज एनर्जी इज क्रिएटेड, दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू F1 सब यूनिट। ठीक है, जो एनर्जी क्रिएट होता है वो कहां पे जाता है? आपका F1 सब यूनिट पे जाता है, एंड विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम ADP टू ATP, एंड दिस F1 कन्वर्ट्स ADP टू ATP, एंड ATP वी नो इज द एनर्जी करेंसी। सो दिस इज द वे आपका एनर्जी इज क्रिएटेड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। इट्स वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक इट विल फ्राइटन यू एनी मोर। दिस इज वेरी सिंपल। आपका क्या होता है, पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इट गोज फ्रॉम वन टू थ्री, थ्री टू फोर, और फोर से क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इट क्रिएट्स ए केमियोस्मोटिक ग्रेडियंट, देन अभी उसको अपने घर वापस जाना है, तो कहां से जाता है, इट गोज थ्रू कॉम्प्लेक्स फाइव। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फाइव से जाने के बाद क्या होता है, वो एनर्जी क्रिएट करता है, एंड दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो दिस इज अबाउट NADH। आपको NADH के बारे में बता दिया इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आपको अभी बताऊंगा मैं अबाउट FADH आल्सो, बट उससे पहले आपको कॉम्प्लेक्स सारा का नाम बताना है। आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम ऑफ द डिफाइंड कॉम्प्लेक्सेस। पहले नहीं बताया, व्हाई डिड यू नॉट टेल अस बिफोर सर? अरे पहले इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड नाम बता देता तो डर नहीं जाते। हाँ, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, सी, बट आई विल मेक इट इजी फॉर यू। कॉम्प्लेक्स 1 टू 4 आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फाइन। कॉम्प्लेक्स 1 इज आल्सो नोन एज NADH को क्यू रिडक्टेस। हाँ, आपको क्या होता है, हाइड्रोजन NADH को NAD में हम कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है, इसीलिए दिस एंजाइम इज नोन एज
NADH CoQ reductase एंड NADH dehydrogenase. यहाँ पे देखा है आपने, जब कॉम्प्लेक्स वन से कॉम्प्लेक्स टू जाता है तो कौन सा गाइड है, कोएंजाइम Q. सो इसीलिए NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेस. अब कैसे याद रखेंगे, ये तो बहुत तकलीफ है, NADH CoQ रिडक्टेस, तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स टू भी आएगा, थ्री भी आएगा, फोर भी आएगा, तो कैसे याद रखेंगे. देखो NAD ठीक है, और वन ले लो यहाँ से NAD एंड वन फ्रॉम देयर क्या बन गया, नारी. हाँ नारी व्हाट डज इट मीन इन इंडियन लैंग्वेज, फीमेल. ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कॉम्प्लेक्स वन. हाँ जैसे बोलते हैं ना, वुमेन फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट. ओके लेडीज फर्स्ट, तो NADH नारी फीमेल कॉम्प्लेक्स नंबर वन सबसे पहला वाला आपको ये होगा. ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू इज नोन एज सक्सिनेट CoQ रिडक्टेस. कॉम्प्लेक्स टू के बारे में हमने नहीं पढ़ा यहाँ पे, FADH में हम पढ़ेंगे. वट एवर वट इज इट्स नेम, सक्सिनेट CoQ रिडक्टेस. अब इसको कैसे रखेंगे, एस फॉर क्या होता है, सेकंड. तो कॉम्प्लेक्स टू इज सक्सिनेट CoQ रिडक्टेस, याद रहेगा, होपफुली इट विल. कॉम्प्लेक्स थ्री इज ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम सी रिडक्टेस और कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी रिडक्टेस. तो ये कैसे याद रखोगे, देखो सी है यहाँ पे एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स थ्री, फाइन. और कॉम्प्लेक्स फोर ये सी ओ ऑक्सीडेस, इसको कैसे याद रखना है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेस, ये खुद याद रखो यार, मुझसे तो नहीं हो रहा है. सी ओ कोविड, हाँ कोविड ऐसे रख सकते हो. सी ओ सिक्स तो नहीं है पता है, कॉम्प्लेक्स वन टू फाइव होता है, तो ऐसे याद रख दो कोविड, ये इसको उल्टा कर दो यहाँ पे, तो को साइटोक्रोम ऑक्सीडेस ये आपका हो गया फोर. ओके सो आई थिंक दिस इज अ नाइस वे टू रिमेम्बर दिस. देन कॉम्प्लेक्स फाइव हैज टू सब यूनिट्स, टू यूनिट्स एफ जीरो एंड अरे क्या लिखा है ये, एफ वन होगा, गलत लिख दिया. प्रोड्यूस इन टू द माइटोकेंड्रियल मैट्रिक्स एंड इज हैविंग एंजाइम एटीपी सिंथेस. जो एटीपी प्रोड्यूस होता है वो एंजाइम क्या है, एटीपी सिंथेस, फाइन. अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स, ये ऑलरेडी मैंने बताया है आपको, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस वन टू फाइव, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है दे आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. ओके देन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, दो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, कोएंजाइम क्यू यूबिकिनोन और इसको यूबिकिनोन भी बोलते हैं एंड साइटोक्रोम सी, फाइन. ये आपको बताया था इलेक्ट्रॉन कैरियर जो गाइड है, गाइड आपको जयपुर से कहाँ पे लेके जाएंगे, जयपुर से जैसलमेर, या और कुछ बताओ यार, फॉरेन वॉरेन गए हो तो, मुझे तो इतना ही आता है जयपुर टू जैसलमेर. देन ओके सो कॉम्प्लेक्स वन में हमने बताया था फोर हाइड्रोजन आयन्स आर प्रोड्यूस, तो इससे कितना एटीपी फॉर्म होता है, वन एटीपी फॉर्म होता है. फिर फोर हाइड्रोजन से कितना एटीपी फॉर्म होता है, वन एटीपी फॉर्म होता है. कॉम्प्लेक्स फोर में टू हाइड्रोजन से कितना एटीपी होगा, अगर फोर हाइड्रोजन वन एटीपी, इफ फोर हाइड्रोजन प्रोवाइड्स वन एटीपी देन टू हाइड्रोजन विल प्रोवाइड 0.5 एटीपी. तो टोटल कितना हो गया, वन प्लस वन प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.5. तो One NADH molecule gives 2.5 ATP. रट्टा मार लो, काम आएगा. हाँ थ्री डेज देखा है, थ्री डेज में बोलते हैं ना, रट्टा मार लो काम आएगा, ऑल इज वेल. तो ये भी रट्टा मार लो, NADH से कितना ATP प्रोड्यूस होता है, 2.5 ATP. फाइन ठीक है. अब FADH, FADH में मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स टू इज इन्वॉल्व, सेम मैकेनिज्म है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स टू से स्टार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स वन नहीं है. सो कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स थ्री, कॉम्प्लेक्स फोर,
सो कॉम्प्लेक्स टू 0 एटीपी प्रोड्यूस करता है, कॉम्प्लेक्स 3 1 एटीपी एंड कॉम्प्लेक्स 4 0.5 एटीपी. टोटल कितना हुआ? 0.0 प्लस 1 प्लस 0.5 कितना हुआ? 1.5 एटीपी. ये भी रट्टा मार लो, काम आएगा. जब तक नीट एमडीएस प्रिपेयर करोगे फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू नीट एमडीएस, तब तक काम आएगा. उसके बाद भूल जाना, कोई बात नहीं. या फिर पहले जैसे अगर एडुकेटर बन जाते हो तो यू विल नीड दैट, अदरवाइज कोई काम नहीं आएगा आपको. कॉम्प्लेक्स टू डज नॉट गिव एनी हाइड्रोजन, ये बताया है पहले मैंने. सो क्या होता है कपलिंग? अभी कपलिंग, हाँ कपलिंग, कपलिंग, कपलिंग क्या होता है? दिस इज कपलिंग. वी नो कपल्स, हस्बैंड एंड वाइफ कपल्स होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे भी कपलिंग है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी आपको कपलिंग है. व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है. और एटीपी फॉर्म होता है, दिस इज फॉस्फोराइलेशन. एटीपी फॉर्म होना, दिस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन. सो दोनों मिलके ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. बुरा मत मानना यार, मेरा माय प्रोनाउंसिएशन इज वेरी बैड. सो एनीवे, आई थिंक बचपन से सुन रहे हो, इवन फ्रॉम क्लास 9, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टडीड दिस ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो तब से सुन रहा हूँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. और कभी समझ में नहीं आया, नेवर अंडरस्टूड व्हाट इज दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीडेशन होता है और फॉस्फोराइलेशन होता है, तो दोनों मिलके दिस इज कपलिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. सो नाउ वन लाइनर्स, अभी आपको कुछ वन लाइनर्स. मुझे पता है दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एंड इवन आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एज इजीली एज पॉसिबल, बट स्टिल आई हैव गॉट दिस वन लाइनर्स फॉर यू सो दैट यू जस्ट गेट अ रैपिड रिविजन ऑफ द होल साइकिल, होल चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ओके, चेन है, साइकिल चेन. तो ठीक है, पहला क्या है? NADH इज द मेन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ETC. हाँ, हमने NADH से स्टार्ट किया था, है कि नहीं? NADH से स्टार्ट किया था. फिर समटाइम्स FADH2 ऑल्सो, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स 2 से स्टार्ट होता है FADH2. देन आपको बताया था रट्टा मारने के लिए NADH एंटर्स ETC एंड गिव्स 2.5 ATP. NADH gives 2.5 ATPs. FADH gives 1.5 ATPs. ये याद करना है आपको. फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड TCA आर वाइटल पाथवेज फॉर सेल्स एंड बोथ ऑकेयर इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में ऑकेयर होता है, TCA एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. TCA के बारे में और एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे. TCA इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल. विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द कमिंग वीडियोस. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, देयरफॉर ऑल कंपोनेंट्स लाइज इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. आई गेस आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू दिस वेरी सिंपल इंग्लिश. ETC ऑकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, देयरफॉर ऑल कंपोनेंट्स लाइ इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ETC ऑकर्स इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट. जहां जहां माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वहा वहा ETC होता है. ETC occurs only in aerobic condition. तो ETC जो है सिर्फ aerobic condition में होता है, anaerobic condition में नहीं होता है. ETC occurs in fed and fasting state, दोनों में होता है. And ETC has 5 protein complexes. हमने बताया complex 1 2, 5. My South Indian students, please don't mind. I speak a lot of Hindi in between. So if you don't understand, please do
give some complaints to me, write in the comments that sir, we don't understand your Hindi, speak only in English, because I'm used to speaking Hindi. So naturally ye beech beech mein aa jata hai. See, again it has come. So please don't mind, and I hope you understand. Anyway, the Hindi I speak is very simple, so nothing koi poetry nahi pad raha hu, just seedha sadha baatein kar raha hu. I hope you understood everything. In our part 2 we'll talk about uncoupling. Kya hota hai coupling, bata diya humne aapko. We have talked about coupling, and not only South Indian, Northeast also. Hamare Mizoram ke students, especially Meghalay, please don't mind my Hindi, and I hope you understand. I'll try to speak more of English in my coming lectures. ठीक है, पार्ट टू विल टॉक अबाउट अनकपलिंग. कपलिंग बता दिया यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर, ये नहीं होता यार मुझसे प्रोनाउंस, फॉस्फोराइजेशन. ठीक है, फिर अनकप्लर्स के बारे में बात करेंगे और इनहिबिटर्स के बारे में बात करेंगे. फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पार्ट वन. आई विल इंट्रोड्यूस यू टू आवर एकेडमी. थोड़ा सा एडवर्टाइज भी कर लेते हैं हमारे एकेडमी के बारे में. सो वी गिव दिस कोचिंग फॉर फर्स्ट ईयर बीडीएस, कहा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, एंड ऑल्सो फॉर नीट एमडीएस. हम सभी को कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल कोचिंग डायरेक्टली फ्रॉम योर होम. हमारा ऐप है, सी हियर, डॉक्टर प्रणब एकेडमी ऑफ डेंटल साइंसेस. जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, टाइप करो, आ जाएगा आपको. ठीक है, एंड डाउनलोड इट. आपको ऑल द क्लासेस विल बी अवेलेबल देयर, एंड वी आर प्रोवाइडिंग दिस कोर्सेस एट ए वेरी नॉमिनल रेट, 1/4 और 1/3 ऑफ ऑल अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स in India. So our main purpose is to provide quality education to the students, to the dental students, so at a rate which everyone can afford. So these are very nominal rates for all the years, and this is a offer also, early bird offer. Contact on this number anytime, WhatsApp karo, मेल करो, कहीं मेल भी कर सकते हो, डॉक्टर प्रणब एकेडमी @gmail.com, या फिर कॉन्टेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, कॉल कर दो. दिस इज अ कोर्स वी आर डूइंग डेंटल पल्स सिनोप्सिस, दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एमडीएस. ठीक है, वी आर डूइंग टिप्स एंड ट्रिक्स टू रिमेंबर डेंटल पल्स सिनोप्सिस इन 1 month. हाँ, ये कैसे याद रखोगे डेंटल पल्स सिनोप्सिस 1 महीने में? तो ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस आर द टिप्स एंड ट्रिक्स वी आर प्रोवाइडिंग, सो एट अ वेरी नॉमिनल रेट ऑफ जस्ट 1,000 rupees. सो आई थिंक एनीवन कैन अफोर्ड. यू कैन रजिस्टर इट फॉर रजिस्टर इट बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर, और आप मैसेज कर सकते हो, अगेन व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर मेल कर सकते हो. एंड देन दिस इज द कोचिंग प्रोग्राम फॉर नीट एमडीएस स्टूडेंट्स. We are providing this at the lowest price in India at 17,999. All 19 subjects included. All 19 subjects included. Mock test included. Then आपका question bank आ जाएगा. And then आपका mnemonics वाला course आ जाएगा. Everything means everything you can ever dream of, or everything you need to crack NEET MDS we will provide. So this is all for today, for this class. See you again in our next video. Thank you.